टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैलेक्सी फोल्ड के हवाले से। गैलेक्सी फोल्ड जो कुछ ही दिन बल्कि 2-3 दिन ही हुए हैं उसके आए हुए, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार, कमाल हो गया है। मतलब यार उस पर इतना बड़ा कंपनी ने जो है टेस्ट किया है, उसमें बताया गया था जब वो बन रहा था तो कम से कम 2 लाख मरतबा उसकी फोल्ड को चेक किया गया है, फोल्डिंग को 2 लाख मरतबा। यार 2 लाख मरतबा मतलब बहुत बड़ी बात होती है भैया, उसके बाद भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ गए। दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, एक तो ये फोल्डिंग सेट के हवाले से और दूसरा वो जो 3 मोबाइल सेट गैलेक्सी के आ रहे हैं जिसमें A60 है, A70 है, A80 है और A90 है, 3 जिनके अंदर पॉपअप कैमरे लगे हुए हैं रोटेटेबल। इन रोटेटेबल कैमरों के हवाले से भी मैंने बात की थी, मुकम्मल मैं आपको बताने वाला हूं पूरी तफसील। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात यह है कि ये जो सेट हैं फ्लिपिंग वाले और फोल्डिंग वाले, ये सेट 2004-05 से लेकर 2011-12 के दरमियान ये बहुत अच्छे चले, उस वक्त भी बहुत कॉस्टली थे सैमसंग के सेट और कमाल के थे अपनी जगह पे, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन उनके अंदर उस वक्त भी यही फॉल्ट था, चाहे वो फोल्डेबल मोबाइल हो या फ्लिपिंग वाला हो, या उस वक्त भी उन्होंने 1-2 मॉडल्स के अंदर ट्राई की थी जो रोटेटेबल कैमरे उनके अंदर थे, लेकिन वो मोटराइज्ड नहीं थे, उनके अंदर मैकेनिज्म नहीं था, उसको हाथ के साथ यूं घुमाना पड़ता था, मतलब रोटेट करना पड़ता था, लेकिन वो भी फ्लॉप थे, वो भी नाकाम थे। इस वजह से क्योंकि उनके अंदर लगी हुई जो रेबन्स हैं उनके अंदर, या मैंने जो पहले बात बताई थी कि जो डस्ट है ये वही उनके अंदर प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इन लोगों ने, कंपनियों ने दोबारा इस पर एक ट्राई मारी, दोबारा ट्राई की कि इसको एक नए अंदाज में पेश करें, मतलब पूरा यार एक सेट को डबल जो स्क्रीन, एक क्योंकि जो उस वक्त के फोल्डेबल थे उसकी स्क्रीन अलग होती थी, कीपैड अलग होता था, तो इसलिए उसके अंदर शायद ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब जो सेट मुकम्मल फोल्डेबल वाल एक ही स्क्रीन, मतलब यार इन्फिनिटी फ्लेक्स बना दिया, 2 इन्फिनिटी को मिला के एक पूरा उन्होंने कोशिश की कि उसके बीच में कुछ भी ना हो, लेकिन फोल्डिंग के बाद भैया उसके बीच में तो वही, मतलब कंप्लीट स्क्रीन के बीच में एक क्रीज आ रही है। जब एक क्रीज आ गई यार तो वो पूरी तो नहीं ना, उसको तो कभी भी मना नहीं समझ सकते कि ये पूरा एक स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच में क्रीज देख के तो इंसान का दिल वैसे ख़राब हो जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ गैलेक्सी के साथ, पहले भी जो लोग जानते हैं गैलेक्सी के बारे में, Note 7 जिसको याद है Note 7 के अंदर एक प्रॉब्लम आया था बैटरी का। लेकिन यार गैलेक्सी की एक क्वालिटी है कि अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो गैलेक्सी वालों ने वो Note 7 तकरीबन सबसे वापस किए थे और उनको पूरी जितनी भी पेमेंट्स थी वो कर दी थी, या शायद कुछ लोगों को उसके बदले में Note 8 दे दिया था कि भाई Note 7 की जगह पे आप Note 8 ले लो और उसे वापस कर दो। तो अब ये जो फोल्ड है इस पर इतना बड़ा यार 2 लाख मरतबा टेस्ट करने के बाद भी इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये कि मतलब कहीं पे आधी स्क्रीन गायब, कहीं पे बीच में क्रीज आ रही है, कहीं पे कुछ, तो ये मसला तो बहुत पेचीदा है क्योंकि अभी से ये हाल है, अभी तो ये पूरा मार्केट में सेट भी नहीं आया, तो मार्केट में आने के बाद जिस तरीके की अभी पोजीशन है कि मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खरीदे, क्योंकि भैया इतना सस्ता तो नहीं है, $1980 का है, करीब 1.5 लाख रुपया इंडिया में और पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब का है। तो जो बंदा 2.5 लाख रुपए भरेगा वो 5 दिन के या 10 दिन के लिए तो नहीं भर रहा ना, उसके तो माइंड में यह होता है कि यार मैं जितना पैसा भर रहा हूँ कम से कम मैं इसको 1-1.5 साल चलाऊंगा। तो इस वक्त इसकी रिपोर्टेशन ये है, तो अभी से ही मतलब हालात इसके बहुत नाजुक नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि भाई बस ठीक है गैलेक्सी का ये, या जो जो भी फोल्ड बना रहे हैं, चाहे वो हुवावे बना रहा है या और कोई भी बना रहा है, तो अब तमाम लोगों को उसके बारे में भी जहन में एक धचका होगा कि यार गैलेक्सी मतलब इतनी पॉपुलर और इतनी मजबूत, क्योंकि हार्डवेयर गैलेक्सी का सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रांग है, तो गैलेक्सी की अगर ये हालत तो हुवावे का क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पहले भी मैंने ये बोला था जो रोटेटेबल कैमरों वाले जो सेट आए हैं उनके बारे में, कि जैसी कंडीशन इसकी हुए मुझे उसके बारे में भी यही तशवीश है कि जो रोटेटेबल कैमरे हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, इतना जल्दी ना सही, कुछ टाइम लगा के,
लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं हैं भैया। इनके अंदर देखो ना, कभी पॉकेट में रखने में उनमें कुछ चीज़ का डस्ट आ जाती है, या कहीं रास्ते में सबसे बड़े डस्ट है जो उसको रूटर टहने में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि इतना बड़ा फॉल्ट सबसे अहम चीज़ है। जब फोल्ड कामयाब नहीं हो सकता यार, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो रोटेटेबल हैं वो कामयाब होंगे? मुझे तो यकीन करें रोटेटेबल को तो छोड़ दें, लेकिन वो जो पॉपअप हैं जो वीवो के अंदर कैमरा लगा है, या एक दो और मॉडल्स के अंदर है सेल्फी कैमरा जो क्लिक करने से ऊपर निकल आता है, तो यार इसके अंदर भी मोटराइज किस्म के ये कैमरे रखे हुए हैं, चाहे जितने मजबूत हैं, लेकिन कुछ वक्त आगे चल के इनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और मैं ये बात सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेटिंग जो मिलनी है वो मिलनी है, सब्सक्राइब जिसने करना है वो करना है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा, ये कभी मेरा माइंड नहीं रहा कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए झूठ बोलूँ, उसको गलत बयान करूँ, उसकी खामखा की तारीफ़ करूँ। तो ये बात भैया बिल्कुल नहीं है। देखो जो चीज़ है वो है, बंदा पैसे भरता है तो यार उसके बदले कोई अच्छी चीज़ लेगा ना। अब पैसे ज़ाया करने के लिए तो कोई भी नहीं, चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो, एक रुपया भी कोई विदाउट चेक एंड बैलेंस के ज़ाया करना नहीं चाहता। तो भैया आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। भैया एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।